हे गाइस, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बता दूं कि हम कई सारे क्रैश कोर्सेज आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR, DBT, GATE, ICMR, ICR, एनी लाइफ साइंस एग्जामिनेशन, तो जुड़िए हमारे साथ और इस यूट्यूब चैनल पर देख करिए कई सारे क्रैश कोर्स और कई सारे डिटेल कोर्स के वीडियो इन अ वेरी इंटरेक्टिव, वेरी स्मार्ट एंड वेरी यूनिक वे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा इस चैनल को। बाकी इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बूस्ट हो सके। सो लेट्स चेंज द वे ऑफ लर्निंग एंड वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जिसकी लाठी उसी की भैंस, दो तरीके से रेगुलेशन होता है। लैक ओपेरॉन के थ्रू होता है और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन होता है। लैक ओपेरॉन एंड ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ठीक है। यहाँ पे जो ओपेरॉन को यूनिट होती है वो ओपेरॉन की यूनिट होती है आर पॉज, ठीक है। आर पॉज होता है, उस आर पॉज को देखने की कोशिश करिएगा। एक रेगुलेटरी होता है, एक प्रमोटर होता है, एक ऑपरेटर होता है, फिर आता है ZYA। ये क्या होते हैं? ये होते हैं स्ट्रक्चरल जीन। क्या है जी? ये आपका स्ट्रक्चरल जीन होता है। बहुत छोटा सा बेसिक बताऊंगा, बहुत डिटेल नहीं बताऊंगा। CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं। रेगुलेटरी जो होता है यहाँ पे, ये एक इनिबिटर या रेगुलेटरी प्रोटीन बनाता है। नाउ देखने की कोशिश करिएगा ये रेगुलेटरी प्रोटीन। याद रखिएगा कुछ चीजों के लिए कि हमेशा रेगुलेटरी प्रोटीन जो होता है, जो रिप्रेसर प्रोटीन या रेगुलेटरी प्रोटीन, इसको क्या बोलते हैं? रिप्रेसर प्रोटीन या रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी या रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है, ये आपका दो बनाता है लैक ओपेरॉन में, एक रिप्रेसर भी बनाता है और एक आपका ये CAP कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन भी बनाता है। इसीलिए मैं इसको रेगुलेटरी नाम दे रहा हूं। ये दोनों बनाता है। रिप्रेसर जो होता है वो निगेटिव कंट्रोल के लिए यूज होता है, निगेटिव रेगुलेशन के लिए यूज होता है, और कैप जो होता है वो पॉजिटिव रेगुलेशन के लिए यूज होता है। कैप जो होता है वो पॉजिटिव रेगुलेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। सो अब ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स या रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं, ये हमेशा बाइंड करते हैं ऑपरेटर से। ये बाइंड करते हैं ऑपरेटर से, याद रखिएगा। रेगुलेटरी प्रोटीन किससे बाइंड करते हैं? रेगुलेटरी प्रोटीन बाइंड करते हैं ऑपरेटर से। और आरएनए पॉलीमरेज किससे बाइंड करता है? आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर से। ये ऑपरेटर से बाइंड करते हैं एंड आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो प्रमोटर से बाइंड करता है। जो लैक ओपेरॉन होता है इसको बोलते हैं हम, ये बोलते हैं कैटाबोलिक ओपेरॉन। इसको क्या है? कैटाबोलिज्म में यूज होता है, कैटाबोलिज्म, या इसको बोलते हैं रिप्रेसिबल ओपेरॉन, रिप्रेसिबल ओपेरॉन। इसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, तो इसको बोलते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन। क्या है ये? ये इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, या इसको हम बोलते हैं एनाबोलिक ओपेरॉन। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है जी? दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। अभी मैंने यहां तक डिस्कस किया, अभी आगे कुछ मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। अब देखिएगा, एक सिंपल सा पाथवे बनाने की कोशिश करता हूं और उसमें पूरा समझाने की कोशिश करता हूं पॉजिटिव निगेटिव रेगुलेटर के बारे में, ठीक है। सी, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। एक जीन है जो यहाँ पे बता देता हूं पहले ही कि जो लैक, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन में तीन होते हैं, ZYA। जेड जो होता है वो बनाता है क्या? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जेड जो होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। ये क्या क्या करता है? ये लैक्टोज को तोड़ता है एलो लैक्टोज में बनाता है, और ये और काम करता है कि लैक्टोज को ये तोड़ के किसमें करता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इसमें तोड़ता है, ठीक है। दो काम करता है। इसके बाद आता है वाई को बोलते हैं क्या? वाई को बोलते हैं परमीज। परमीज का काम होता है लैक्टोज का ट्रांसपोर्ट करना। क्या काम होता है? लैक्टोज ट्रांसपोर्ट करना, अंदर इनसाइड ले आना, ठीक है। और उसके बाद आता है ट्रांस एसिटाइलेज। इसका ट्रांस एसिटाइलेशन का काम होता है, जो कि इस पर्टिकुलर जीन में होता है। दीज आर द थ्री जीन्स। ये लैक जेड जीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, खासकर RDT में, जो कि हम डिस्कस करेंगे। ये तीन स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं लैक ओपेरॉन के बेसिस पे। चलिए देखेंगे कि क्या होता है लैक ओपेरॉन का ये रेगुलेशन। नाउ मैं बता देता हूं, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो और भी अच्छी बात है। दैट इज व्हाट आर प्रोटीन, ठीक है। आर प्रोटीन है, पी है, उसके बाद ओ है, उसके बाद क्या है? ZYA, ZYA।
जी बिल्कुल रमित, वही मैं भी सोच रहा था। ठीक है, इसको करेक्ट करिएगा, ठीक है, इसको करेक्ट करिएगा। मैं दैट इज व्हाट कैटाबॉलिज्म है, तो ये इंड्यूसिबल होगा कि लैक्टोज के होने की वजह से ऑन हो रहा है, दैट इज व्हाट दिस इज इंड्यूसिबल। लैक्टोज जो होगा इंड्यूसिबल होगा, और ट्रिप्टोफैन की होने की वजह से बंद हो जा रहा है तो वो रिप्रेसिबल होगा, दिस इज व्हाट द रिप्रेसिबल। ठीक है, ट्रिप्टोफैन विल बी रिप्रेसिबल क्योंकि ट्रिप्टोफैन की प्रेजेंस में ये बंद हो जाता है। ठीक है, सो रिप्रेसिबल होगा ओपेरॉन, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ अब देखिएगा आर पॉज के बारे में। यहां पे देखिए ये आर पॉज दो तरीके की चीजें बनाता है, मैं कलर डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। पहला है निगेटिव रेगुलेशन, पहला क्या है निगेटिव रेगुलेशन की बात करते हैं। ये बनाएगा एक रिप्रेसर प्रोटीन, ये बनाएगा एक रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है वो नॉर्मली बाइंडेड रहता है इस पर्टिकुलर ऑपरेटर से, नॉट प्रमोटर। ठीक है, ये पर्टिकुलर बाइंडेड रहता है ऑपरेटर से। जैसे ही ऑपरेटर से बाइंड होगा, जैसे ही ऑपरेटर से बाइंड होगा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज मूव नहीं कर पाएगा, नो मूव नहीं कर पाएगा, तो ये हो जाएगा ऑफ, ये हो जाएगा ऑफ। अब देखने की कोशिश करिएगा कि ये पहला केस रहा निगेटिव रेगुलेटर का, जबकि लैक्टोज जो है इस केस में क्या है, पहले केस में अगर मैं पहले केस की बात करूं, सो पहले केस में लैक्टोज एब्सेंट है, निगेटिव रेगुलेशन है। पहला केस क्या है, पहला है लैक्टोज एब्सेंट, लैक्टोज जो है यहाँ पे वो एब्सेंट है। ठीक है, नाउ द सेकेंड केस व्हेन द लैक्टोज प्रेजेंट, जब लैक्टोज होगा वो प्रेजेंट है, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो वो पहुंचेगा इस रिप्रेसर से, लैक्टोज बाइंड करेगा, इस रिप्रेसर से लैक्टोज बाइंड करेगा, और जैसे बाइंड करेगा इसको इनएक्टिव कर देगा, इनएक्टिव करेगा तो ये जो बाइंडिंग हो रही थी वो नहीं हो पाएगी और ये प्रोसेस जो होगा वो ऑन हो जाएगा, प्रोसेस जो होगा वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द सेकेंड स्टेप, समझ में आ गया जी। नाउ मूविंग टू द पॉजिटिव रेगुलेशन, ये दोनों कौन से पार्ट है, ये दोनों निगेटिव रेगुलेशन के पार्ट थे, ये थे निगेटिव रेगुलेशन के पार्ट, निगेटिव रेगुलेशन के पार्ट थे। नाउ मूविंग टू द पॉजिटिव रेगुलेशन, दैट इज व्हाट थर्ड वन, थर्ड वन देखने की कोशिश करिएगा। नाउ एलो लैक्टोज में कन्वर्ट होगा, जी लैक्टोज जो होता है वो एलो लैक्टोज में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल वो कन्वर्ट होगा, इंटरमीडिएट होता है एलो लैक्टोज, इज अ वो ही आपका एक्चुअल इंड्यूसर होता है। मैं उतना डिटेल नहीं जा रहा हूँ गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आप उस चीज को समझो, हमें गेट, हम सीएसआईआर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे नहीं पढ़ते, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। अगर मैं उतना डिटेल लेके जाऊंगा तो समझने में भी कई लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। सो जो सीएसआईआर और गेट में काफी लेवल का डिफरेंस होता है, तो मैं आप लोगों को जो पहले पढ़ चुके हैं वो सीएसआईआर लेवल का पढ़ाया गया था, यहाँ पे सिर्फ मैं छोट कुछ चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, तो प्लीज ट्राई टू कोऑपरेट। नाउ अब देखिएगा कि दूसरा जो होता है जिसको पॉजिटिव एंड बोलते हैं, दैट इज द ग्लूकोज। जब ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो ये एक और चीज बनाता है, ब्लू कलर देखिएगा, एक और चीज बनाता है जिसको बोलते हैं सीएपी। ग्लूकोज जब प्रेजेंट होता है तो सीएपी जो होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तो सीएएमपी जो होगा यहाँ पे, सीएमपी कम होगा, सीएमपी कम होगा तो ये इनएक्टिव होगा, ये इनएक्टिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रोसेस जो हो जाएगा वो ऑफ होगा। क्यों, क्योंकि जाके बाइंड नहीं कर पाएगा, ये एक्टिवेटर है, सीएपी इज व्हाट कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन है। नाउ फोर्थ वन, व्हेन द ग्लूकोज इज एब्सेंट, जैसे ग्लूकोज एब्सेंट होगा सीएएमपी जो होगा वो हाई होगा, सीएमपी हाई होगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा, कैप प्रोटीन से बाइंड करेगा, जैसे बाइंड करेगा इसको एक्टिव में कन्वर्ट करेगा, जैसे ये एक्टिव होगा ये जाके बाइंड करेगा कहाँ पे, ये जाके बाइंड करेगा इसमें। ठीक है, बाइंड करने के बाद इसको बेंड कराएगा, बेंड करने के बाद ये प्रोसेस जो होगा वो यहाँ से ऑन हो जाने वाला है, वो यहाँ से ऑन हो जाने वाला है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। ये क्या है, पॉजिटिव रेगुलेशन है। इज इट क्लियर, सो आप देख सकते हो कि जो प्रोसेस है इसको एज अ समअप की बात करें, ठीक है, एज अ समअप की बात करें तो एज अ प्रोसेस समअप में लैक्टोज जब प्रेजेंट है और ग्लूकोज एब्सेंट है तो ऑन होगा, ये होता है आपका, एंड अगर लैक्टोज एब्सेंट है और ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ऑफ होगा, मोस्टली कॉन्स्टिट्यूटिव कंडीशन में ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद अगर लैक्टोज जब प्रेजेंट है, लैक्टोज भी प्रेजेंट है, ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, तो एक तरीके से पॉजिटिव निगेटिव रेगुलेशन बसल लेवल बनेगा, ठीक है, और लैक्टोज जो है, लैक्टोज एब्सेंट है और ग्लूकोज भी एब्सेंट है तो भी बसल लेवल बनेगा। इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात, ठीक है, चलिए ग्रेट। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं आपके इस पर्टिकुलर पार्ट में। नाउ दिस इज फॉर द लैक ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बारे में बात करते हैं। ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो होते हैं, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन दो तरीके से आपके होते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं। 50% ये क्या होता है, 50% एटीन्यूएशन से होता है, 50% एटीन्यूएशन से होता है, जिसमें कि एक स्टेम लुक स्ट्रक्चर बनता है, पेयरिंग होती है कुछ आपके
क्या होते हैं, थ्री लूप्स होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जिसमें से कि अगर 2 3 पेयर करते हैं, अगर 2 3 पेयर करते हैं तो ये ऑपरेशन जो होता है वो ऑपरेशन ऑन होता है, और अगर 3 एंड 4 पेयर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। समझ में आ गई बात जी। 2 3 याद रखिएगा, यंग एज है तो इसमें एनर्जी ऑन रहती है, और 3 4 पे एनर्जी जो होती है ऑफ हो जाती है। ट्रिप्टोफैन बाइंडिंग साइट जो होती है वो ट्रिप्टोफैन बाइंडिंग साइट वो आपका 2 के पास होता है, ट्रिप्टोफैन बाइंडिंग साइट 2 के पास होता है, जो कि डोमेन्स होते हैं। ये आपका एटीन्यूएशन है। नाउ 50% जो होता है वो रेगुलेशन के थ्रू होता है। इसमें क्या होते हैं, 5 जीन्स होते हैं, उसी तरीके के प्रोसेस होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एक रेगुलेटरी होता है। नाउ इसके पास पी ओ, फिर स्ट्रक्चरल जीन में यहाँ पे 5 होते हैं, ए बी सी डी ई, ये 5ों मिलके बनाते हैं, कोरिस्मेटिक पाथवे जाता है, फिर वहां पे ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस होती है। नाउ देखने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है, रिप्रेसर प्रोटीन पहले इनएक्टिव होगा, पहले इनएक्टिव होता है तो इनएक्टिव होकर यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा, बाइंड नहीं कर पाएगा तो यहाँ से क्या होगा, ये ऑन रहेगा और ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस होता रहेगा, ट्रिप्टोफैन इंक्रीज होता रहेगा। जैसे ये ज्यादा हो जाएगा, जैसे ही ये मोर होगा, मोर होने के बाद ये पहुंचेगा यहाँ पे, यहाँ पे पहुंचने के बाद काम क्या करेगा, एज अ को रिप्रेसर की तरह काम करेगा, को रिप्रेसर की तरह काम करेगा। जैसे को रिप्रेसर की तरह काम करेगा, यहाँ पे देखिएगा कि क्या कर देगा, इस इनएक्टिव से बाइंड करेगा, इनएक्टिव से बाइंड करके इसको एक्टिव कर देगा, इस इनएक्टिव रिप्रेसर से बाइंड करके एक्टिव करेगा, और एक्टिव करने के बाद ये ऑपरेटर पे बाइंड करेगा और इस प्रोसेस को ऑफ कर देगा। इज इट क्लियर, दैट इज द ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। ट्रिप्टोफैन यहाँ पे क्या है, ट्रिप्टोफैन है को रिप्रेसर, ट्रिप्टोफैन को रिप्रेसर है, एंड एपो रिप्रेसर जो होता है आपका, जो रिप्रेसर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। इज इट क्लियर। Your dream is to clear the CSIR NET Life Science. I will bring your dream into reality. With my 4-year experience, smart hacks, smart strategies and smart approach, I will make you fall in love with all the 13 units. My courses are the best combination of smart hacks and the standard books. I am Viren Singh. Join me and my batch and individual courses on an Academy Plus platform and crack the CSIR confidently and smartly. Use the referral code Viren or Viren Life to get the 10% discount. Let's crack it. हे गाइस, होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर बेल आइकॉन पर दबाइए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में मैं और मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कई सारे और कॉन्सेप्ट्स के लेके जुड़ा रहूंगा मैं आपके साथ। सो प्लीज टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।